दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल तुतुंगाइन ब्लॉग्स। आज मैं आपको एक नया जगह दिखाऊंगा। कल रात को मैं उधर गया था, उसका भी वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा। वो जगह का नाम है अलमोज वेब। ये मस्कट के अंदर आता है। मैं तो आपको मालूम है 7-8 साल से मस्कट में रहता हूँ, तो मैं आज उसको दिखाऊंगा। मेरे साथ है मेरा एक दोस्त है, इसका नाम पुराना दोस्त है, आपने देखा होगा, इसका नाम सादिक, मोहम्मद सादिक। तो हम दोनों मिलके जा रहा है, तो देखता हूँ जितना जल्दी जा जाऊँ, क्योंकि इसके कल जो मैं वीडियो बनाया था वो रात का वीडियो था। अभी मैं दिन का वीडियो बनाना चाहता हूँ, दिन का वीडियो बहुत खूबसूरत है वहाँ। तो आप बने रहिए, आप एकदम लास्ट तक देखिए, बहुत मजेदार लगेगा कि मस्कट कैसा दिखने में है। और अभी मैं थोड़ा आपको रास्ता वगैरह दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए और देखिए क्या फर्क है अपना देश का और यहाँ का क्या फर्क है। ये थोड़ा आप लोग फर्क का कोशिश करने की कोशिश कीजिए। तो चले देखते रहिए। ये रास्ता देखिए, ये रास्ता का ये है मवाला सिग्नल बोला जाता है। हम लोग सिग्नल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलमोज की तरफ। यहाँ से कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग जा रहे हैं। देखिए रास्ते में देखिए सब गाड़ी भी चल रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी, छोटा छोटा गाड़ी, सब गाड़ी नया गाड़ी होता है। उमान में ज़्यादातर नया गाड़ी होता है, क्योंकि यहाँ पैसा वाला देश है, तो लोग ज़्यादातर नया गाड़ी रहता है। पुराना हो जाता है, इसको रिटर्न करके फिर नया ले लेता है। तो जो भी नया गाड़ी मार्केट में आता है, तो यहाँ गल्फ का लोग मेनली पहले ले लेता है। तो देखिए आप, कोई पुराना गाड़ी नहीं मिलेगा। रास्ता भी एकदम क्लीन साफ रहता है, आसपास में अच्छा सीनरी है, झाड़ वगैरह रहता है। तो आप लोग देखिए और मास्क भी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कोई भी जानकारी हो तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका सही आंसर देने का। बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है बिल्डिंग, देखिए। ये सब नया एरिया है, नया सब कुछ नया बना। दोस्तों अभी हम लोग अलमोज के जाने का जो इंटर में आ गया, उसका एरिया के अंदर आ गया। देखिए ये गेट था, इधर सब ये पूरा नया एरिया है। यहाँ समुंदर किनारे है, इसको आर्टिफिशियली इसको बनाया, इसके अंदर रेती कंक्रीट वगैरह डाल के इसको बनाया ये जगह। पहले ये जगह पूरा समुंदर था। यहाँ का लैंड बहुत महंगा है, यहाँ बाहर का लोग, बड़ा बड़ा लोग यहाँ रहता है। यहाँ हार्ड टाइम ट्रैफिक रहता है, हार्ड टाइम गाड़ी चलते रहता है, गाड़ी रहता है, क्योंकि इसके अंदर इतना घर है, बड़ा बड़ा घर है। उसके बाद इसके अंदर हार्ड टाइम फेस्टिवल लगा रहता है, समुंदर किनारे लोग घूमने आता है, देखना चाहता है। इसके अंदर समुंदर के साइड में जो बोर्डिंग होता है, बोर्ड में लोग चढ़ता है। बाद में यह सुपर मार्केट है, रेस्टोरेंट, खाने पीने का रेस्टोरेंट है, होटल है। या बीच बीच में प्रोग्राम होते रहता है, तो इस वजह से ये हार्ड टाइम ट्रैफिक रहता है। अब देखिए कितना सुंदर जगह, देखिए अंदर सब टाइल्स लगा हुआ है, इंटरलॉक लगा के रखा। जाने का रास्ता है, देखिए सब झाड़, खजूर का झाड़ इधर ज़्यादा लगा के रखा, क्योंकि यहाँ का नेशनल ट्री है खजूर, तो लगा के रखा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम यहाँ करीब बहुत दफ़ा आया, हमारा ड्यूटी भी होता है, तो यहाँ घूमने फिरने आता रहता हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए आज स्पेशल इधर आया। ये जो आज मैं ये रोड का वीडियो अभी उठा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो अलमोज का जो बीच है, वहाँ जो बोर्डिंग वगैरह होता है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप लोगों को देखिए कैसा लगे यहाँ का रोड वगैरह सब, कैसा लगा घर वगैरह कैसा लगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए। और ओमान के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमको बेझिझक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इधर करीब 7-8 साल से मैं इधर रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। तो आप लोग मेनली ड्राइविंग के बारे में कुछ जानना चाहिए तो हमको बोल सकता है, कोई भी चीज़ के बारे में हमको कोई प्रॉब्लम, जितना हो सके मैं परफेक्ट आपको सलाह दूंगा, ताकि आपको भी काम आए।
हम लोग अंदर आ गया, हम यह गाड़ी पार्किंग करेगा, तो आप लोग देखिए यहाँ का रास्ता हमारा, ये एक मार्केट है उसका अंडरग्राउंड पार्किंग है, हम लोग इधर पार्किंग करेंगे, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे दूसरा वीडियो में आप लोग देखेंगे यहाँ का असली जो मौज का अलमौज का जो खूबसूरती है वो आप देखेंगे। तो दोस्तों हम अब यहाँ रख देंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताएंगे रखेंगे। तो आप लोगों को यहाँ का रोड वगैरह दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था, तो कैसा लगा आप बताइए। ओके तो मैं भी रखता हूँ, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा एक दिन का वेट कर दीजिए, कर लीजिए, ओके बाय।